गाजियाबाद कचहरी में आयोजित महासम्मेलन में 5 राज्यों के वकील जुटे। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ के वकील महासम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें वकीलों के हित सुरक्षित हों इसके लिए कई मुद्दों पर सहमति बनी। ये तस्वीर अधिवक्ताओं के महासम्मेलन की है जो गाजियाबाद में हुई। इस महासम्मेलन में जिला जज की कोर्ट में 29 अक्टूबर को वकीलों पर किए गए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में चल रहे आंदोलन को धार देने के लिए रणनीति बनी। वक्ताओं ने कहा कि कोर्ट रूम में हुई ये पहली घटना है जिसमें कोट पहने हुए अधिवक्ताओं पर पुलिस ने जिला जज के सामने लाठी भांजी। ये सब जिला जज के कहने पर हुआ और पुलिस की ये बर्बरता कानून के इतिहास में पहली बार हुई। ऐसी घटना आगे न हो, इस तरह की घटना न हो, इसके लिए अन्य संगठनों को काम करना होगा। गाजियाबाद में हुए वकीलों के महासम्मेलन के बाद फैसला 29 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सभी वकील इलाहाबाद पहुंचेंगे और बार काउंसिल और हाई कोर्ट का घेराव करेंगे। गाजियाबाद में अभी वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी। 29 नवंबर को ही इस घटना के बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के वकील हड़ताल पर और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 10-10 2024 गाजियाबाद में जो नक्सल वकीलों पर लाठीचार्ज किया, गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिकारियों ने दीपक शर्मा जी वो लाठीचार्ज में थे तथा मंत्री श्री नेहरा साहब के लिए तथा इस वकील जिला जज अनिल कुमार को हटाए जाने और लाठी चार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वकीलों की तरफ से मांग की जा रही मगर किसी को नहीं सुना गया, तो आज 5 राज्यों के अधिवक्ता इस सम्मेलन में शामिल होकर आंदोलन को आगे और बढ़ाने की जो रणनीति है वो भी बनाई गई। टोटल टीवी के लिए गाजियाबाद से करणवीर कश्यप की रिपोर्ट।